जब तुम्हारे साथ जुर्म हो रहा था, तुम चुप क्यों थे? एक बड़ा सवाल। फिर जब क्या तुम्हें सक्सेस प्यारी थी, या तुम्हें मेडल प्यारे थे, या तुम्हें उन्नति चाहिए थी, चाहे वो कैसे भी मिले? दूसरा सवाल, फिर जब तुम सक्सेस हो गए, 10 से 15 साल जब बीत गए, उसके बाद तुम लगातार आरोप लगा रहे हो, तो इसमें कितनी सच्चाई? क्या ब्रजभूषण शरण को बाबा राम रहीम की पदवी देना चाहते हो, या आसाराम बापू की, के इतने लोगों का शोषण कर दिया, 100, 200, 500, 1,000, क्या 1,000 लड़कियों के साथ शोषण करने के लिए 1,000 दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो कहना ये चाहते हैं कि उन्होंने बिना खाए पिए सोए काम किए, सामाजिक काम किए, स्कूल कॉलेज बिजनेस राजनीति एमपी पद सब कुछ चलते हुए 1,000 लड़कियों को शोषण करने के लिए क्या उनको समय की भी आवश्यकता पड़ी? कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, ये भी एक सोचने का विषय है साध्वी देवा ठाकुर।